So there is always a vehicle with a basic. देवी भागवत का श्रवण किया, भगवान को बल मिलाया कृष्ण को, और जा करके देखते हैं कि वो श्यामन तक मणि सिंह से जाम्बवान ने बध करके लिया, और जाम्बवान की पुत्री उस श्यामन तक मणि से खेल रही थी। 14 दिन तक लगातार युद्ध के बाद में भी कृष्ण जाम्बवान को परास्त नहीं कर पाए थे। जब भगवती की कृपा बरसी, तब भगवान कृष्ण ने श्यामन तक मणि को प्राप्त किया और जाम्बवती से विवाह किया। यानी एक शब्द बोलने का कितना बात हो गया। इसलिए मेरा ये कहना है आप लोगों से कि बोलना है ना तो अच्छी बात है, बोलना है ना तो अपने चाहने वाले के लिए अच्छा ही सोचो, बुरा नहीं, ये बात पॉजिटिव। और अगर बोलना है तो हरि नाम जपो, सत्कर्म की बात करो, जीवन सुधर जाएगा। और अगर यारी वो तो ऐसा मैं क्या करूं, तो वो तो करने वाला जो है तू कुछ नहीं करे, फिर बिहारी जी को जो करना है वो कर ही देगा। इसलिए जपो तो हरि नाम जपो, खाली समय में आप भगवान का स्मरण करो, अनावश्यक चर्चा मत करो। खाली दिमाग जो रहता है ना, यानी ये कह दिया गया कि बिना प्रयोजन का चर्चा विवाद का कारण है, निरुद्देश्य जो चर्चा है वो विवाद का एक गलती। दूसरा, जब रामायण में एक पंक्ति लिखी गई है आचार्य जी, कौन जन्म अस जग माही जे पद पाय होत मदन। चौधरी साहब थोड़ा सा बैलेंस, जिसे पद पाने के बाद मद यानी अहंकार, लेकिन अहंकार कितना भी हो वाणी संभाल के बोलो, क्योंकि एक शब्द में मानो तरे, एक शब्द में मानो तरे, एक शब्द में है मरे, एक शब्द जपने से भव सिंधु तरी जाते हैं, एक शब्द से तरे, एक शब्द से ही मरे, गवातर जी, एक ही शब्द से भव सिंधु तरी जाते हैं। बोलत में ना कछु कर पावत विचार, लागे जब दिल में चोट बैठ के पछताते हैं। ऐसा मत बोल तो है जीवन में दुख आवे, बोली ऐसा बोल जिसमें लोग प्रसन्न हो जाते। देखी जहां की रीति अनुभव ब्रह्मांड पुरी का,
हर मीठी बोली बोले तो बिहारी जी मिल जाते हैं। एक सर, हम किसी से संबंध बनाए ना तो उसके आगे पीछे पूरी चीज जाननी चाहिए। शब्द है बोले तो उससे होने वाले परिणाम पे सोचे और ये फील करे कि अगर ये शब्द कोई मुझे कहे तो कैसा लगे। काम कर रहे हैं तो उसके परिणाम को देखो। बोलना नहीं चाहिए और कई बार लोग तो अपना नुकसान खुद ही बोलकर कर लेते हैं क्योंकि जो निगेटिव रहते हैं भूल जाऊं, जिनकी बुद्धि भ्रष्ट होती है उन्हें बोलने की शैली नहीं होती। वो क्रोध में आएंगे तो क्या कहने वाले हैं, खुद गलत है, उनको ज्ञान ही नहीं है आगे किसी बात का। बस बोल दिया, अब हम और आचार्य जी घूम रहे हैं कहीं, हम वहां बैठ के सत्संग की चर्चा कर रहे हैं, ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, बटुक पे समझ में आ जाए कि बाबा आज गुरु जी मेरी ही निंदा कर रहे हैं। बटुक में ये सोच लेना कि आचार्य जी और स्वामी जी मिलकर आज मेरी ही निंदा कर रहे हैं और हम कर क्या रहे हैं। उनको उतना ज्ञान नहीं है, लेकिन जब हम उनको कहेंगे भैया ऐसा नहीं तो पता हो कहेंगे हे देवी मैया, हे भगवान बिहारी जी, अगर मैं गलत हूं तो मेरा नाश हो जाए और अगर ये गलत है तो इनका सत्यानाश है। तू तो गलत है नहीं, नाश तो तेरा होना ही है भाई। बिना जाने बिना समझे बिना अक्कल के कुछ भी जा और कहते हैं वहां कह देवी मैया अगर मैं गलत हूं तो मेरा नाश। तो गलत है ना तू, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसका सत्यानाश। तो तुम्हारा वो सच्चा है तो यानी तुम्हारा तप बल उधर चला गया। तुमने जितनी साधना शक्ति की थी आचार्य जी, क्योंकि अगले ने तुम्हें प्रत्युत्तर नहीं दिया। और ये प्रमाणिकता है वेदों का। वेदांत कहता है कि हर 24 घंटे में एक क्षण के लिए इस जिह्वा पे शारदा आती है, एक पल के लिए आपकी जुबान पे मां शारदा का वास होता है। हो ना हो, जिस समय आपने कहा कि मेरा ही नाश हो जाएगा उस समय शारदा बैठी हो तो कौन बचा है, क्योंकि शक्ति के बिना तो शिव भी अधूरे हैं। इसलिए वाणी पे संयम ना रख के लोग अपना नाश बोल के खुद ही कर लेते हैं। जैसे मकड़ी जाला बनाती है बड़ा प्यारा, लेकिन उलझ खुद ही जाती है वही नहीं निकल पाती, ऐसे संसार की सृष्टि है ये। रेशम का कीड़ा जो होता है ना, रेशम बनाते 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 खुद ही उसके अंदर बंद होके मर जाता है, भोग नहीं कर पाता। ऐसे शब्द का बड़ा महत्व है। और राज्य मिल गया है तो वल्लाऊ ने एक दिन ऐसा ही एक शब्द बोल दिया है जो यदुवंशियों के विनाश का कारण बन गया। गर्गाचार्य जी से हंसते हंसते कहने लगे महाराज अरे अभी क्या है जी, हमारे पास आपके पास हम आप मेरे गुरु हो, शादी ब्याह कर लो, इस भजन में क्या रखा है। अभी तो सवाल है हमारे भी लोग कह देते हैं, हम लोगों से भी तरह तरह के सवाल लोग करते हैं। और मेरा मानना है कि जीवन में सहायक चाहिए, बुढ़ापे में रोटी तो खानी पड़ेगी, अंतिम विधि संसारी की भी होगी सन्यासी की भी होगी, तो सहायक तो होता ही जीवन में, कहीं शिष्य स्वरूप में, कहीं साधक स्वरूप में, कहीं परमात्मा स्वरूप में, कहीं ना कहीं होता ही है यह। लेकिन
गर्ग आचार्य ने कहा अच्छा विवाह कर लूं, बोले हाँ आचार्य जी मैं विवाह करूंगा, लेकिन यदुवंशियों के विनाश के। बताइए एक शब्द नहीं बोले तो फिर कैसे होता ये सब। ओखा मंडल के राजा के पास 21 कन्याएं थी, पहले लोग संतों को पहले संत विवाह करते थे, गौतम की अहिल्या क्योंकि संत वृत्ति का नाम है, और अहिल्या जैसी सती मिले कहा तिवारी जी, तीनों देवता अहिल्या के यहां भिक्षा मांगने गए हैं भक्ति की परीक्षा के लिए। अनुसुईया होती दो जगह, जब अहिल्या के पास गए थे तो वहां गुणों का व्याख्यान है, तिवारी जी गुण कितने 24 और भय किससे, ये चर्चा वहां हुई थी। और जो गौतम ऋषि ने श्राप दिया था ना, उन्होंने ये कहा था कि सुंदरता भक्ति में अवरोध है, जैसे दुष्ट को संत डरता है, मूर्ख से ज्ञानी डरता है, रोगी से निरोगी डरता है, और स्त्री को अपनी सुंदरता से ही भय होता है। सबसे ज्यादा भय किससे, अपनी सुंदरता से। तो गौतम ऋषि ने यही तो कहा था कि अरे तुम्हें भजन करना है, परमात्मा को पाना है, तो इस शरीर से क्या लेना देना है, तुम जाओ सूक्ष्म रूप से इस पत्थर में वास करो, और अब तो तुम्हारा एक ही काम रह गया हरि भजन करना, बाकी सारे काम तो बंद हो गए, ब्यूटी पार्लर जाना, ये करना वो करना, अब तो भजन ही बाकी रहे। इसलिए गौतम ऋषि ने उनको पत्थर बनाया। अनुसुईया क्या पहुंच गए कि मुझे भिक्षा चाहिए, शुभ मंगलम भवतु शुभ मंगलम भवतु दीक्षां देहि। दीक्षा की प्रक्रिया पता है ऐसी नहीं होती कि जाते के ना है बब्बो दूध दिए, ओ माई थोड़ा सा घी दे दिए, ये दीक्षा की प्रक्रिया नहीं है। तो बस मांग खा के खाया पिया पचाया बाबा। जब आप किसी द्वार पर भिक्षा लेने जाते हो आचार्य वर, कम से कम 9 बार गायत्री जप करो, उसकी मंगल कामना करो, उसके बाद आप कह सकते हैं शुभ मंगलम भवतु भिक्षाम। दरवाजा नहीं खुले तो पुनः 9 बार, नहीं खुले पुनः 9 बार, 3 बार इस मंत्र का जप करो, और अगर नहीं खुले तो कल्याण वस्तु बोल के दूसरे द्वार में जाना होता है। इन्हें कितना नाश हो जाए, इतना बड़ा महल देने के लिए दो रोटी नहीं। लोग बोलते हैं ना दिया तो अच्छी बात है, पहले घर से नहीं मिला तो ऐसे 5 घर में जाना है, और 5 में नहीं मिले तो फिर पूर्व से है तो दिशा छोड़ के उत्तर जाना है, उत्तर से भी नहीं हो तो दक्षिण जाना है, दक्षिण से भी नहीं तो पश्चिम जाना है। इसके बाद भी अगर आपको कहीं से भिक्षा नहीं मिली तो उस नगर में जो है आपदा आ जाती है, अगर वो संत है तो। अपन ने तो जब भिक्षा किया ना आचार्य जी, मेरा तो एक ही घर में काम बन गया, कभी दूसरे में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सच्ची है, एक ही घर में, पर बाबाओं ने बड़ी तकलीफ दी, बना के लाऊ मांग के लाऊ आटा दाल ये सब बनाऊ, टिकट ठोकू खिलाऊ, और मेरे लिए ही रोटी ना रहे,
हर तकलीफ ए छोटिया जी महाराज नमो नारायण। मेरे कपड़े धो दिया महाराज, छोटिया मेरे पैर दबा दियो हमारा, और बनाओ मांग के लाओ, बनाओ खिलाओ टिक्कड़ से को और अपने लिए। देहरादून जाते हैं ना मनीषा देवी करके एक स्थान है, तो कुमारी से आया तो मैं रम्मत में था सर, तो बाबाओं ने जब मेरे साथ के ऊपर से एक में दो तीन मारा मेरे को ऐसी चिमटे से, जब बेटा बताता मैं जो आया जमाल भूखा डाल दो। गुरु महाराज ने पूछा बेटा क्या था, बोले गुरु जी अति तो किसी चीज की चलती नहीं है। बोले ये सब परेशान है, बीमार हो गए बेटा, बार बार भाग रहे हैं। बोले गुरु जी उस खाने के बात तो ऐसे ही हो। बोले क्या है, बोले गुरु जी आज मैं सच भी बोलूं और झूठ भी बोलूं क्योंकि मैं कभी दिल में कुछ रख नहीं पाता। बोले क्या हुआ बेटा, मैंने बोला गुरु जी आप मेरे बाप हो। बोले हाँ। बोले आप मुझे लाकर खिलाओ, बड़ा किया सब, मैं आपको रोटी ना दूं तो मैं तो तेरे दो नहीं लगाऊंगा, मैं तो गुरी तो फिर चिल्ला का है कर। हाँ भी ऐसे ही हुआ। बोले बात नहीं समझा। बोले गुरु जी सुबह 5 बजे से उठना पड़ता जी ये एरिया में, 5 बजे उठते ही नमो नारायण, ए उठ जाओ रे, ब्रह्म मुहूर्त हो गया, ढोल के निहार पानी कर लो, आज एकादशी है, ये व्रत रखना, ये घंटा तो चिल्लावे जी 4 बजे से उठ के, गांव में जावे घंटी बजावे, दूध मांग के लावे, चाय बना के खिलावे, रोटी लावे आटा मांग के उसको बना के खिलावे। और गुरु जी मेरे नाम की ना थी तो भगवान ने इनको सजा दी है। गुरु जी कहे मैं समझ गया सजा किसने दी है।